खानदान से एक अच्छा रिश्ता आया है, इंशाल्लाह वो अपने घर जाएगी। सही है। क्यों जाएगी वो जॉब करने का? मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके, तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। ओ तेरी। ओके सो दिस इज अवर चैनल फॉर यू गाइज, बिकॉज ये चैनल आप सिर्फ ता शुरू किया बिकॉज इतने आप एक्स्ट्रा रिएक्शन कर सके जी आप उस चैनल से नहीं कर सकते। सो हेयर वी आर, सो डू सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन एज वैल ता जो नोटिफिकेशन थोड़े फोन मिल जाए थोड़ा जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करा। तो अज की जी वीडियो है वह हैगी है इस चैनल तो ARY डिजिटल तो ये देख सकते हैं सिर्फ ये हैं छे एपीसोड्स जे आ चुके हैं। आई थिंक ये वीकली अपलोड करते हैं या आई थिंक वीकली अपलोड होंगे है। तो सो छे एपीसोड आ चुके हैं सिम फे है। आप एपीसोड टू का एक बेस्ट सीन से रिएक्शन किया 40,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं चैनल के एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू ARY डिजिटल का भी कि उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने अपना क्लेम वापस ले लिया एंड मैं उम्मीद करता कि हूँ मैं बाकी भी शायद जड़े है ड्रामा से रिएक्शन कर सकता मे बी होप सो एंड होप फॉर द गुड। एंड तुम भी गाइज यार उन्होंने जाके कमेंट कर दो कि प्लीज़ अलाउ कर दो क्योंकि मैं वाकई डेस्परेटली मतलब कि मैं थोड़े इन्होंने ड्रामा से रिएक्शन बना चाहना। ठीक है सो हिट सबसक्राइब नाउ ARY डिजिटल। वैसे सारे ने किया ही होना 24 मिलियन हो भरावा थोड़े अंग थोड़ा इतने तो सारे 4,000 ही है। यू भी दबा बता दो यार अपने मेन चैनल के अंगू ये भी दबा फॉलोवर कर दो। अपने मेन चैनल है एक पंजाबी रील TV एंड दिस वन PR TV इंडिया। ये मैं तां दस रहा क्योंकि कई लोगों ने मैं इस चैनल पर पहली बार अच्छे देखा होना। सो मेन चैनल से अपने 88 है एंड तुम ये भी जाके सबसक्राइब कर सकते हैं। सो 1 मिलियन ओ माई गॉड जल्दी तो जल्दी हो जाएगा। सिल्वर प्ले बटन वो पिछे पे आना तो आप इतने गोल्ड वाला भी लिया यार चकते फटे। ठीक है सो आज देखते हैं आज का एक बेस्ट सीन। मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके, तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। ओ तेरी। लेकिन अब फैसला तो लेना है तुमने। फैसला ले लिया मैंने, मुझे फौज में जाना है। क्या मतलब? मुझे भी फौज में अप्लाई करना है। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अब्बू ने नौकरियां नहीं करने देना हमें, उन्होंने पढ़ाते हुए बताया तो था। ओ मतलब ये वाली जी कुड़ी आ वाली एक इदा एक जो वे लोग गल करते होंगे ना हथ करके वे बजुर्ग औरतं गल कर दी इदा करके तेन क्या तसी पुत इट्स लाइक दैट थिंग। तो यदा जो टाइटल है तुमने मेरा रिश्ता पक्का करवा दिया मतलब कि उन्हें आप एक जो लास्ट सीन देखा से जो फॉर्म अपलाई कर जाती है ना कॉलेज में लोग मुंडे तो अपलाई करके आँदी है तो ये आप देख रहे हैं मक्की ये आप देख रहे हैं कि जिदा घर से वो पता लग गया तो उन्होंने वह रिश्ता करता एंड आदि कुड़ी की एक्टिंग मैं बड़ी जबरदस्त लगती है मतलब ये भी डिफरेंट आ बाकी जिदा पाकिस्तानी ड्रामा मैं देखे ना उन्होंने नालों मैं इन्हों की एक्टिंग जी थोड़ी डिफरेंट लगी शायद यह थोड़ी विच पास्तो लुक आँदी है इन्हें मतलब कि फील आँदी है कि जो ये बोलते हैं है ना दैट्स वाई शायद ये अच्छा है। मुफ्त में खानदान के हर बच्चे को पढ़ाओ कोई मसला नहीं है लेकिन नौकरियाँ नहीं करने देनी। एक तो तुम्हारा ढोल ऐसा बात करो अब वो बाहर बैठे हुए हैं। मुझे फौज में जाना है। कौन लेकर जाएगा तुम्हें? किसके साथ जाओगी तुम? तू लेकर जाएगी ना। अभी सिर्फ आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाना है, उसके बाद ISSP जाना होगा, बस वहां तक ले जा, बाद में बात की देखी जाएगी। हाँ हाँ मेरी गर्दन पे छुरी चला दो तुम। और किससे कहूंगी? एक गुड़ी में ज्यादा पकड़ लेफ्ट हैंडेड है। जाने की क्यों जाएगी और जरूरत क्या है? खानदान से एक अच्छा रिश्ता आया है, इंशाल्लाह वो अपने घर जाएगी। सही है। क्यों जाएगी वो जॉब करने का? मतलब एक अच्छा रिश्ता आया वो अपने घर जाएगी। हाँ मतलब जॉब करने नहीं जाएगी वो अपने घर जाएगी। पता नहीं मैंने इस गल से हंसा क्यों हारिया बट लिटरली दिस इज सो अमेजिंग एंड ये मैंटेलिटी बहुत लोगों की है कि वो जॉब क्यों करेगी वो ब्याह कराएगी। कौन सी उसकी फौज में सिलेक्शन हो रही है? अप्लाई कर रही है ना तो करने दे। मैं साथ चली जाऊंगी ना अम्मी। अप्पा को कोई बताएगा भी नहीं, 4-6 घंटे में वापस आ जाएंगे घर हम। अम्मी रिश्ते के लिए मान जाएगी वो? अच्छा रिश्ते के लिए मान जाएगी? अम्मी बात तो सुने। लहजा बड़ा कहने लगता है मैंने यार। तुम्हारे अब्बा इन शर्तों को नहीं मानने वाले। तो अम्मी अब्बा को बताएगा कौन? आप बोल दीजिएगा हम बाजार गए थे कपड़े लेने। अम्मी मान जाए ना। अच्छा जाओ मेरे लिए कप चाय बनाओ फिर बात करते हैं।
ओह माय गॉड, आई डोंट नो मैं हंसी आ गई हुई थी क्योंकि शायद मैंने याद नहीं आ रहा, ये चीज़ मेरे नाल भी हुई हुई है कि मैं मम्मा को किसी चीज़ लिए मना रहा हूँ तो वो मैंने कह रहे जा पुत मेरे लिए चाय बना के लिया फिर गल कर दे मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। अच्छा एक ए सी है ठीक है। तो और क्या करती मैं, कैसे मनाती अम्मी को, मुझे चप्पलें मारना शुरू कर दी है। मुझे लगा तुम खुश हो गई तुम्हारी इजाजत लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी इजाजत वजाजत, और तूने मेरी तरफ से हाँ कैसे कर दी है। सही गल है, आई हूँ, शादी तो नहीं हो रही, रिश्ता करवा लो। एक गुड़ी बड़ी चला कर मतलब उधर कह रही है कि वो आर्मी च मतलब कि स्कूल च अप्लाई करना है, पक्की तो नहीं होगी, इधर कह रही है सिर्फ हाँ ही की है, शादी तो नहीं होगी। क्या बात, उधर भी मनाने का तरीका इधर भी इतना के लोग बड़े होंगे ना दुनिया पर भले ली कर रही है कुड़ी दे, सही है एक्टिंग सुपर उन्होंने यार। ओके सो दिस इज द वीडियो सिम्फ ए एन का मतलब तुम मैंने शायद दस्या सीगा किसी ने यार कमेंट करके पर मेरे हूँ दिमाग च नहीं आ रहा, बट इन दोनों कुड़ियों की एक्टिंग की मैं गल करा तो एक्टिंग मैंने बहुत जबरदस्त लग रही है इन्हों की। एंड टॉपिक तो आप पहले देखा सीगा कि बड़ा वधिया टॉपिक लिया इन्होंने इस टाइम, एंड इदा टॉपिक्स जरूरी भी है क्योंकि जी एक आप कह दें कि कुड़ियाँ मुंडिया के अजकल बराबर आ सारे कह ही देंगे, पर जो गल इंप्लीमेंट कर ना तो इंप्लीमेंटेशन आप देखते हैं कि चीज़ है ही नहीं है ना, कई थावे तो पॉसीबल ही नहीं की हुई। तो एक जड़िया इदा दीज़ा है ना जड़िया समाजिक बुराइया लाइक दाज है ना दहेज तो डाउरी मतलब कि तुहाडे उधर दहेज कहिंदे है ना, तो उस तो बाद जिदा जॉब ना करन देनी पढ़ाई ना करन देनी जां इकल्ले बाहर ना जा पाना इदा दी जिहड़ी चीज़ां वो दर्शाउंदियां कि कुड़ियां बराबर नहीं आ कई थावां ते, क्योंकि इदां दे जिहड़े केसिस बड़े होए आ इंडिया च भी बहुत केसिस होए आ पाकिस्तान च भी सुनन नूं मिलदे आ ठीक है। तो उन्हां चीज़ां नूं लैके फिर जिहड़े माँ प्यो आ जो पेरेंट्स वो भी डरदे आ, बट आई थिंक जे एक इदां दे ड्रामे आउंदे आ तां इहनां नाल एक जिहड़ी सेध आ वह मिलदी ऑडियंस नूं है ना, लोगों नूं एक एक तरीका दिखदा एक वे दिखदा कि शायद इस चीज़ भी पॉसीबल है, इदां भी हो सकता है कि कुड़ियां ये काम भी कर सकदियां। एंड कई थावां ते अजकल आज़ादी है बट कई थावां ते अजे भी वो चीज़ पॉसीबल नहीं हैगी, पिंडां च कह लो जां थोड़े पिछड़े हुए इलाकियां च कई थावां ते मतलब वो चीज़ जिहड़ी है पॉसीबल नहीं है। सो अगर गल करिए कॉन्सैप्ट दी, कॉन्सैप्ट दी गल तां हो गई, चलो मतलब एक्टिंग दी, एक्टिंग दोनों दी बहुत घैंट सी यार। आपां पहला जिहड़ा सीन देखिया सी उहदे विच भी यही दो कुड़ियां सी, ते जिहड़ा हुण तुसीं क्या रिएक्शन बनाउण उहदे विच भी यही है दो कुड़ियां, ते इहनां दोनों दा मतलब बहुत वधिया सिस्टम चल रहा सी, एक्टिंग मैनूं वधिया लगी दोनों दी। एंड विच विच जिहड़े सीनस इदां दे आ कुछ डायलॉग्स उदां दे आ कि जिहड़े एक ह्यूमर पैदा करते हैं, र्यूमर नहीं ह्यूमर, ह्यूमर पैदा करते हैं फिल्म दे सॉरी ड्रामा दे विच, ते जिहड़ा कि एक वधिया एक ऑडियंस नूं बन्न के रखने लिए जरूरी हुंदा, बिकॉज जेकर सिर्फ इमोशनल 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 चली जाऊगा दैन इट विल रोंग। ठीक है एक लाइट बंद हो गई, आई थिंक तुहानू जिहड़ी क्वालिटी है फिर भी ठीक मिल रही होनी है। सो गाइज ए सीगी वीडियो, एंड जेकर तुसीं चाहुंदे आपां इहदे कोई होर रिएक्शनस करिए इस ड्रामे ते दैन लैट मी नो इन द कमेंट सैक्शन बिलो। सो मेक श्योर यू हिट द सबसक्राइब बटन पंजाबी रील टीवी एक्सट्रा, ते मैं मिलता तुहानू किसी होर वीडियो तद तक मिलदे हो इजाजत, सत श्री अकाल, ते चक्की रखो इदां ही कम।